जिंदाबाद किसान मोर्चा, जिंदाबाद किसान मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश में 3 दिन की बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, क्योंकि उत्तराखंड में उपयुक्त 3 दिन में हुई लगातार बारिश से अब मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, फरुखाबाद, शाहजहाँपुर और पीलीभीत में बाढ़ के हालात हैं। किसानों के खेतों में खड़ी फसलें बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। इससे किसान चिंतित हैं और अपने व परिवार के भविष्य को लेकर चिंता में हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को भी किसानों की याद आई तो बुधवार को जिलाध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी और महानगर अध्यक्ष मनीष गुर्जर के नेतृत्व में आसपास के क्षेत्रों के किसान मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन के बाद बारिश के दौरान बर्बाद हुए किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की और प्रदर्शन करते हुए इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है कि पिछले 3 दिन से जिले में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई की जाए। रामगंगा किनारे और साथ साथ रामपुर की कोसी नदी ने अब बाढ़ का रूप ले लिया है। इसने सरकार को किसानों को नष्ट हुई फसल का तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस दौरान जिला महामंत्री अनुज बिश्नोई, मीडिया प्रभारी अतुल ढाका, पवन शर्मा, विक्रांत चौधरी, नन्ने चौधरी, संजीव बिश्नोई, संजय वर्मा, अमोल यादव आदि मौजूद थे। ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या मांगे हैं आप? लगातार 3 दिन से जो भारी बारिश हो रही है उसमें जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के लिए। क्या नुकसान हुआ, किस तरह से किसानों को नुकसान हुआ है? धान में 70-75% नुकसान है, बिल्कुल बह गया धान पानी में, और उड़द की फसल, दलहन तिलहन, गन्ने की खेती में नुकसान है, गन्ना नीचे लेटा पड़ा बिल्कुल, उसका कटान भी हुआ है। क्या मांगे आपके? जिस हिसाब से नुकसान हुआ किसान का उससे लगभग उसकी वापसी हो जाए मुआवजे का अनुरोध। ज्ञापन किया जा रहा है, क्या मांगे ठीक है? 3 वर्षों में जो तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण किसानों का नुकसान हुआ है, धान की खेती को जो है अत्यधिक नुकसान हुआ है, हर किसान को जो है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा जो है दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सभी किसानों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए। लगभग कितना नुकसान किसानों को झेलना पड़ा इस बारिश में, कितने दिन बारिश में बर्बाद हुई? लगभग 3 दिन लगातार सी बारिश यहाँ हुई है और मैं समझता हूँ कि किसान जो है धान की जो है 70-80% खेती जो है नष्ट हो चुकी है। धान के साथ साथ और कौन सी खेती है? आलू की खेती को पोचा है, गोभी की खेती को भी पोचा है, कई और उड़द भी नुकसान हुआ है, गन्ने की खेती को भी नुकसान हुआ है। किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा इस टाइम पे किसानों को? इस समय किसानों को जो है काफ़ी परेशानियों का नुकसान करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय जो है धान उसके घर में आता है, धान से कई नए कार्य करे जाते हैं उन्हें बेचने के बाद, अब किसान के सामने थोड़ी समस्या है। इसी लेते हुए जो है हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं। माननीय योगी जी और हमारी सरकार ने पहले भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और अब भी किसानों के लिए कुछ ना कुछ सरकार जरूर करेगी। लगभग कितने मुआवजे की मांग की गई आपको? इसमें मुआवजा लगभग जो है जितना उसका नुकसान है, नुकसान के अनुरूप ही उसके जो है प्रत्येक किसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।